United Nations Day celebrated on October 28 at Radisson Blue, New Delhi. The event was graced by the presence of Her Excellency High Commissioner Anisa Kapufi Mbega from Tanzania, who served as the chief guest. Besides Chileya Selamutu, the NDMC director, and Elizaveta Nikitina, a representative from Russia, was also present. All international dignitaries showed their concern on human values. The event was hosted by Golden Sparrows Organization, led by directors Dr. Tilak Tanwar and RJ Aarti Malhotra from All India Radio. Distinguished intellectuals from all the corners of India were honored with the title of real-life heroes during the event. These real heroes were also invited on stage to express their thoughts and working to inspire the world. Let's listen one such real-life hero. Happy United Nations Day. Thank you so much. I am really very grateful to Aarti ma'am and Tilak sir for this great opportunity. Hamari organization hai Sundarbans Dream. हम लोग लाइवलीहुड एंड एग्रीकल्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम करता हूँ. हमारी मेन मकसद है किसान को इनकम को इन्हांस करना, दो मार्जिनल फार्मर्स है उनके इनकम को इन्हांस करना. तो हमारी जो एग्रीकल्चर फील्ड है, फिशरीज है, क्राफ्ट कल्चर है, कॉफ़ी कल्टीवेशन है, दार्जिलिंग मैंडारिन है, लार्ज कडामम है और वेरियस एक्टिविटी है, मैंगो है. उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, किसान जो है अपना फसल जो उगाते हैं उसके बाद उसको मार्केटिंग बहुत बड़ा चैलेंज होते हैं, तो उसको मार्केटिंग करना, उसको सिखाना कैसे मार्केटिंग करना, पैकेजिंग कैसे करना सिखाना है. उसके बाद उस प्रोडक्ट को फॉरेन कंट्री में कैसे भेजेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करेंगे, ये सारे से सिखाते हैं. तो पिछले साल हम लोग दार्जिलिंग मैंडरिन ऑरेंज को फॉरेन कंट्री भेजे हैं, इस बार 75 मैंगो जो है बाहरीन में भेजे थे. और उसके साथ काफ़ी सारे कैपेसिटी बिल्डिंग को काम करते हैं और उसके साथ हेल्पलेस लो लेडीज़ हैं उनको एग्रीकल्चर फील्ड में जो है उनको हम लोग स्पेशली एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं. और हेल्पलेस जो लेडी है उसको सचत स्पेशली जो रिमोट एरिया है उसमें हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे उसको इनकम कैसे होगा, फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, कौन सा बैंक से फाइनेंस मिलेगा और कम इंटरेस्ट में, उसको काफ़ी सारे बैंक से लिंक करके वो किसान को हम लोग कैसे लोन दिला सकते हैं वो काम करता हूँ. वही करते करते हम लोग करीब हमारी इनिशिएटिव से 50 से ज़्यादा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी अभी तक हम लोग वेस्ट बंगाल में बनाए हैं और हमारी 70 डिस्ट्रिक्ट में एक्टिविटी है अक्रॉस द बंगाल, वो छोड़ के सिक्किम स्टेट और झारखंड एरिया में काम करता हूँ. और उसका साथ हमारी इनोवेटिव कुछ एक्टिविटी होता है, जैसे क्राफ्ट कल्चर इन बॉक्सेस, बॉक्स के अंदर क्राफ्ट कल्चर करना है और उसके साथ एक्सपोर्ट कैसे करना है ये भी उसके साथ सिखाता हूँ. और फूड प्रोसेसिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा, वो फूड प्रोसेसिंग के जरिए से स्पेशली हेल्पलेस महिलाओं को कैसे इनकम आए उसको भी सिखाते हैं. थैंक यू सो मच.